मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक दफ़े पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है 6 अगस्त 2021 और दिन है शुक्रवार। आज के कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप अवगत हैं कि हम लोग एक बृहद की श्रृंखला के ऊपर कार्य कर रहे हैं और अभी तक हम उसके 29 वीडियोस बना चुके हैं और आज 30वां वीडियो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। 29वें वीडियो में हमने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के विषय में बताया था कि ब्रह्मा जी का वो भगवान ने किस तरह से उत्पत्ति की। आज की कथा में हम ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान जी की स्थित करने और उनके द्वारा सृष्टि की रचना किस प्रकार की गई इसके ऊपर हम आपको आगे बताएंगे। तो ब्रह्मा जी को जब भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए तो उन्होंने भगवान की स्तुति की, हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आप तो वो तो मैं अब जान सका, देवधारी मनुष्य को तो ये मौका कहाँ मिलता है कि आपको जान सके। मैं आपको वर्षों ढूंढता रहा तब भी आप मुझे नहीं मिले और आप तो वहीं थे जहां मैं था। आपके अपने अवतारों के मूल में भी वही स्थान है जहां से कि मैं उत्पन्न हुआ है। किस प्रकार मैं जान सका कि मात्र भक्ति के द्वारा ही आपको प्राप्त किया जा सकता है। आपका यह कहना कि सर्वोत्तम वही है जो कि कर्म के द्वारा किया हुआ कर्म जो है वही कर्म है, यानी जो भक्ति भी की जा सकती है वो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए या किसी इच्छा से नहीं की जाती है। जो भक्ति है वो सिर्फ भक्ति के लिए की जाती है, जो काम है वो सिर्फ काम के लिए किया जाता है। जीविका चीज एक अलग है। जब आप जीविका के लिए कर्म करते हैं तो वो बात अलग होती है। निश्चित है कुछ आपको अपनी जीविका चलाने के लिए पारितोषिक के रूप में वहाँ से जहाँ भी आप जिसका काम करते हैं वो करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त ऊपर से धनोपार्जन हमको कतई नहीं करना चाहिए। जितना ये गिव एंड टेक लेने वाली बात है, एक विनिमय व्यवस्था है, इतना हमने काम किया और इतना आपने हमको दिया। तो इस प्रकार से जो हमको भक्ति करनी चाहिए भगवान की वो भी बिना किसी इच्छा के करनी चाहिए कि हमको ईश्वर प्राप्त हो। जब आपको ईश्वर प्राप्त होगा तो आपको शोक लोभ कुछ भी नहीं होगा, मोह माया कुछ भी नहीं रहेगी और आप जो हैं एकाग्रचित हो जाएंगे, भगवान में ही हमेशा लीन रहेंगे और आप किसी चीज की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद एक आपने एक माया रूपी संसार रच दिया और सारी माया भी वहां रच दी और उसमें आप लोगों का खेल देख रहे हैं। सारी अपनी माया है, आप जानते हैं। माया रचने के बाद आप खेल देख रहे हैं कि माया में किस तरह से पुरुष व्यक्ति मनुष्य किस तरह से उलझ जाता है और किस तरह से वो धर्म और कर्म करता है। जो धर्म को कर्म, धर्म के अनुसार कर्म करता है वही असली कर्म माना जाता है। उसके बाद स्तुति करते रहे ब्रह्मा जी। उसके बाद ब्रह्मा जी शांत हो गए, वो सोचने लगे अब हम भगवान से क्या कहें। तो भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो उनकी बात को भी समझ गए, क्योंकि ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इनको क्यों भेजा है और ये कैसे करेंगे इस काम को। मैंने इनको बता तो दिया है कि तुमको सृष्टि की रचना करनी है, लेकिन सृष्टि की रचना करें कैसे ये इनको बात समझ में नहीं आ रही है। ये जो इनको चारों ओर अथाह जलराशि दिखाई दे रही है इससे ये परेशान हो रहे हैं कि यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं सृष्टि करूँ किससे। ये मकान बनाने के लिए हमसे कह रहे हैं और हमारे पास मकान बनाने की कोई सामग्री तो है ही नहीं। तो फिर उन्होंने अपनी धीर गंभीर वाणी में कहा कि हे ब्रह्मा, तुम विषाद के वशीभूत हो रहे हो, यानी कि तुम चिंता में पड़ रहे हो। तुम चिंता में मत पड़ो और आलस्य मत करो कि कोई हमको बता दे कुछ आकर के। तुमको सृष्टि की रचना करनी है और तुम आत्मज्ञान प्राप्त करो। तुम खुद ही सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तुम समझ चुके होगे अब तक कि मैं तुमसे क्या चाह रहा हूं। तुम कमलनाल में मुझको कितने दिनों तक ढूंढते रहे, चलते चले गए, लेकिन मैं नहीं मिला ना। मैं मिला कहां तुमको, तुम्हारे हृदय में। इसी प्रकार से जब तुम सृष्टि की रचना कैसे की जाए इसके विषय में तुम खुद सोचोगे तुम कैसे करो, तो उसके लिए तुमको खुद ही यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा
और ये तो तुम जानते ही हो कि सारा जो कुछ ज्ञान है वो भी मैं ही हूं। तो तुम जो है अब जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। भगवान का मंतव्य था कि वो तपस्या के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करें कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने कहा उनसे कि मेरी कृपा थी इसीलिए तुमने मेरी स्तुति की। और उसके बाद इतना कहा उन्होंने और कहा देखो तुम खुद सोचो कि तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। और उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब विदुर जी विदुर जी ने मैत्रेय जी ने मैत्रेय जी बता रहे हैं विदुर जी को कि ब्रह्मा जी ने अब सोचना प्रारंभ किया कि अब हम क्या करें, किस प्रकार सृष्टि की रचना की जाए। तो इसके बाद ब्रह्मा जी को ये आया कि देखिए ऐसे तो कुछ होगा नहीं, हमको फिर से भगवान को याद करना पड़ेगा। तो वो अपने कमल के फूल के ऊपर बैठ गए और उन्होंने तपस्या करनी, फिर से भगवान का ध्यान लगा दिया। भगवान के ध्यान वो सहस्त्रों वर्ष तक करते रहे। उसके बाद फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उन्होंने आंखें खोली और अपने तीन हिस्से किए। एक बनाया उसे भू, दूसरा भोग और तीसरा स्वर। भू का स्वर है यहाँ पृथ्वी से अर्थ है, भू का आकाश से है और स्व का तो पाताल से है। उन्होंने इन तीन लोगों का निर्माण किया। इसी प्रकार से उन्होंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से मनुष्य को, पूरी सृष्टि को उन्होंने धीरे धीरे करके जन्म दिया। मनुष्य को दिया तमोगुण, दिया रजोगुण, दिया सतोगुण, दिया वनस्पतियां पैदा की, औषधि पैदा की, लताएं पैदा की। इसके अलावा उन्होंने मनुष्य को मन दी, बुद्धि दी, पक्षी बनाए। हमको जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब कुछ जो है ये इनका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। अच्छा, अब मैत्रेय जी ने विदुर जी से और आगे की कथा बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने किया कि उन्होंने जो काल के किए थे उन्होंने उनको उन्होंने काल बनाया। काल यानी समय, समय को भी भगवान नहीं मतलब ब्रह्मा जी ने ही निर्माण किया। और उस काल को उन्होंने चार भागों में विभक्त कर दिया। जो पहला था वो सत्ययुग था, दूसरा त्रेता हुआ, तीसरा द्वापर हुआ और चौथा कलयुग हुआ। जो कि वर्तमान समय में चल रहा है वो कलयुग है। हम लोग कलयुग कलयुग कहते हैं, वैसे वो कलयुग कहलाता है। इसमें सबसे छोटा जो उन्होंने बनाया है वो कलयुग है। जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारी भागवत कथा है, उसमें लिखा है कि कलयुग की जो आयु है वो 432,000 वर्ष है। अच्छा, अब उसमें कितने वर्ष बीत गए हमको ये बात नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हमने जो वर्षों की गणना की है अपने हिसाब से की है, भगवान ने किस प्रकार से की है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने भागवत कथा में इस बात का भी वर्णन किया है कि कलयुग के जो पहले वाला युग था वो इससे दोगुना था, उससे पहले वाला उसका दूना था और उसके पहले वाला उसका दूना था। यानी अगर 432,000 हैं तो इसके पहले द्वापर था तो इसमें दुगने थे, यानी कि 464,000। त्रेता में उसके दुगने थे और त्रेता और सतयुग में उसके दुगने थे। इस तरह से टोटल सतयुग में जितना बड़ा कलयुग होगा उसका 8 गुना बड़ा सतयुग था शास्त्रों के अनुसार। प्रत्येक युग की एक विशेषता थी, प्रत्येक युग की एक विशेषता थी। और विशेषता सबसे पहले सतयुग की ये थी कि उसमें धर्म था, हर तरफ धर्म था। धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं होता था। अगर धर्म के विरुद्ध कार्य होता था तो भगवान उसको स्वयं उसको नष्ट कर देते थे। और लेकिन धीरे धीरे आगे आने वाले कालों में धर्म का क्षरण होता चला गया और द्वापर में आकर के उसकी जब कलयुग आया तो उसकी अति हो गई। और अब उसकी समय अति चल रही है, आगे कितनी और अति होगी इसका कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद ब्रह्मा जी को और भी काम करने थे, सृष्टि की रचना थी। तो उन्होंने अपने 10 पुत्र पैदा किए, मरीच, अत्रि, अंगीरा, पुलत्स, पुलह, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इस तरह से उन्होंने अपने 10 पुत्र पैदा किए। धर्म और अधर्म,
धर्म क्या है, अधर्म क्या है, चोरी है, डकैती है, ये उन्होंने इसको बाइफर्केट किया। अभी आप आगे सुनेंगे कि उन्होंने जो थे हमारे धर्म शास्त्र भी बनवाए, तो धर्म और अधर्म की भी सृष्टि उन्होंने ही की। क्रोध, लोभ, वाणी, समुद्र, पाप, पुण्य, निष्ठा, निष्ठा, सबका जो था उसके बाद उन्होंने इन क्रोध, लोभ, वाणी, समुद्र, पाप, निवा और निस्त्री, कर्दम और सरस्वती नाम की पुत्रियों को भी जन्म दिया। सरस्वती अत्यंत रूपवती थी, लेकिन उनमें सब गुण तो थे, उनमें विद्वता बहुत थी, लेकिन उनमें काम नहीं था। एक दफे क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को कुछ वो मोह उत्पन्न हो गया, मोह उत्पन्न हो गया, तो वो एकदम से कामातुर हो गए। जब वे कामातुर हो गए तो जो उनके पुत्र थे उन्होंने उनको समझाया कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, आपको भगवान ने इसलिए आपको नहीं बनाया है कि आप खुद काम में पड़ जाएं, आप काम क्रोध लोभ मोह से आपको रहित रहना है। वैसे तो उनकी ही इच्छा है, इसलिए जो है आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। इस प्रकार से जब उनको अपने मोह के विषय में अपने पुत्रों से ऐसी बातें सुनने को मिली तो उनको बहुत ही आत्मग्लानी हुई, वो आत्मग्लानी से भर उठे, उनको लगा कि हम अपने शरीर का नाश कर दें, समाप्त कर दें। तो उन्होंने उस समय अपने शरीर, वो वाला जो शरीर था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। उनके समाप्त कर देने से चारों ओर अंधेरा छा गया, वही अंधेरा अब अंधेरा या कोहरा या उसको जो भी कह लीजिए, जब अंधेरा हो जाता है तो वो उसी वजह से हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे शरीर की रचना की, तो दूसरे शरीर की उन्होंने रचना की तो उसमें चार उनके मुख थे, तो उस चार मुखों से उन्होंने धर्म, कर्म, शास्त्र आदि को जन्म दिया। उन्होंने अपने जो धर्म शास्त्र थे, उन्होंने जो सबसे पहले वेद, चार मुख से चार वेद बोले, चार वेद बोले, जो कि उस समय जो उनके पुत्र थे उन्होंने उनको सुना, और उन्होंने उनको सुनने के बाद अपने और पुत्रों को सुनाया, उन्होंने अपने और पुत्रों को सुनाया। इस प्रकार से जो हमारे शास्त्र हैं उसमें जीवन के को भी उन्होंने अपना, जो एक आम आदमी का, एक साधारण पुरुष का जो जीवन आंका गया लगभग 100 वर्ष के का आंका गया, 100 वर्ष के जो उसका जीवन था उसको चार भागों में उन्होंने विभाजित कर दिया। चार भागों में विभाजित करने के बाद उन्होंने प्रत्येक विभाग का कर्म भी निर्धारित कर दिया कि पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये और चौथे में ये आदमी इस प्रकार से एक मनुष्य आचरण करेगा, इसमें पढ़ेगा, लिखेगा, इसमें बड़े होंगे, शादी होगी, संतान उत्पत्ति होगी, उसके बाद उनकी शादी विवाह करेगा, ये सब करेगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो ब्रह्म ज्ञान कहलाते हैं। वेदों के द्वारा उन्होंने फिर वो जो आगे जो लोग हुए, इससे पहले हम पहले बता चुके हैं, जब आगे जो हुए उन्होंने अपने और पुत्रों को उनको थोड़ा थोड़ा करके बता दिया, तो फिर उसके बाद शास्त्रों के बाद निषद बने, वेदों के बाद निषद और निषद के बाद उपनिषद बने, फिर शास्त्र बने, इस तरह से भागवत नामक एक उन्होंने पुराण बनाया। तो भागवत को पुराणों की गिनती में रखा जाता है। इसके अलावा बाद के जो लोग हुए उन्होंने अपने अलग अलग पुराण भी बनाए, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग, अभी तो हमने खाली यहाँ पर भगवान विष्णु का अभी तो खाली आया है, अभी सिर्फ ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ, अभी शंकर भगवान तो नहीं आए हैं। जो जब ब्रह्मा जी ने बहुत सारे अपने जीवन के चार हिस्सों में उनको बांटा था, उसी में उन्होंने एक कलिकाल भी रखा था। कलिकाल वो होता है जो कि मृत्यु का समय होता है,
एक मृत्यु का पीरियड होता है, जब आदमी का शरीर छोटे से पैदा होता है, वो अपनी माँ के गर्भ में आता है, वहाँ से धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वो जीव बाहर आता है, फिर वो घुटनों के बल चलता है, खड़ा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो काम करता है, फिर शादी करता है, फिर बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद वो उनके भी शादी विवाह करता है, फिर उसकी उम्र बढ़ती है, और फिर वो धीरे 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 उसकी जो बढ़ती है उम्र, तो जो उसका बचा हुआ जीवन है उसको वो घटाती चली जाती है। तो आदमी को धीरे धीरे ये बात पता चलने लगती है कि हाँ, हमारी वयस इतनी हो गई है, तो अब हमारी मृत्यु का समय भी आने वाला है, हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और हमको दुनिया से लोभ और मोह को छोड़ करके हमको पूरा समय अपना प्रभु के ध्यान में लगाना चाहिए। जब हम ध्यान करेंगे तो हमको एक आनंद की प्राप्ति होगी, जो कि हमारे गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि आदमी बहुत से अन्य कारणों में, वो सब कुछ रचा तो उन्हीं का है, सारी माया उन्हीं की रची हुई है। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब वो 10 पुत्र तो उनके पहले हो चुके थे, और पुत्रियां भी उनकी एक पुत्री थी, उसमें एक पुत्री भी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो आंखें बंद करके अपने फिर तपस्या में लग गए। फिर वे कई हजार साल बीत गए, जब उनकी आंख खुली तो इन्होंने देखा कि वहां तो 10 ही पुत्र हैं और एक पुत्री है, इसके अलावा और वो खुद हैं 12 लोग हैं दुनिया में, और तो कोई है ही नहीं। तब फिर उनको लगा कि ये इसको बढ़ाया कैसे जाए। उसके बाद उन्होंने अपनी शरीर से फिर तपस्या की, फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने 3, जिस समय वो इस बात को सोच रहे थे आंखें बंद करके, उसी समय क्या हुआ कि उनके शरीर के अनायास 2 टुकड़े हो गए उस वाले शरीर के, और उसमें एक जो हिस्सा हुआ वो पुरुष का हुआ, और दूसरा हिस्सा जो था वो स्त्री का हुआ। जो पुरुष का हुआ उसको कहते हैं, उसका नाम पड़ा मनु, और जो स्त्री थी उसका नाम पड़ा शत्रुपा। फिर शत्रुपा के संतानें, मनु और शत्रुपा के सामंजस्य से संतानें पैदा हुई, उनके बाद उनका विवाह हुआ। इस तरह से ब्रह्मा जी के ये जो ब्रह्मा जी का जो परिवार था, उसके बाद उसमें संतानें पैदा होने लगी और पूरा संसार लोगों से भर गया। तो इस प्रकार से भगवान ने सृष्टि की रचना की। हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम वाराह अवतार की कथा को सुनेंगे कि भगवान ने जब वाराह अवतार लिया तो कैसा हुआ। तो सभा के तो कथा की समाप्ति के द्वार एक बार हम लोग भक्ति से और शक्ति से और मन से भगवान का हरि नाम का एक दफे उच्चारण करते हैं और कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि बार बार बताता हूँ, मैंने पहले भी कई बार बताई है कि भगवान ने जब परीक्षित को ये कथा सुनाने शुरू की सूत जी ने, तो उन्होंने उस समय शुरुआत में नारद जी ने एक दफ़े ये बात बताई थी कि कलयुग में कीर्तन की बहुत ही महत्ता होगी। जब कीर्तन करकेंगे आप, प्रभु का आप कीर्तन करेंगे, आप उच्च स्वर में भगवान का नाम लेंगे, तब आपको भगवान को उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये कीर्तन के रूप में भी आप इन महामंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए को समाप्त करने की मुझे आज्ञा दीजिए। वीडियो पसंद अगर आपको आया हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज के संक्रमण काल में अपनी सेहत का पूर्ण ध्यान रखिए, और कोरोना भी गया नहीं है, हो सकता है ना आए, लेकिन जितना भी आप उससे सतर्क रहेंगे उतना ही कम नुकसान होगा। हम लोग पिछले दिनों बहुत सारा नुकसान उठा चुके हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनिल कुमार दीक्षित का अपने विश्व श्रोताओं और सभी दर्शकों को नमस्कार।